हेलो फ्रेंड्स, आज हम गेहूं के आटे से एक नई रेसिपी बनाएंगे। ये मीठा होता है, आप इसे किसी भी त्योहार में बना सकते हैं। ये दिखने में जितना सुंदर दिख रहे हैं, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पानी को उबलने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पर 4 कप पानी लिया है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच जितना। कोई भी मिठाई बना रहे हैं उसमें तो थोड़ा सा नमक डलता ही है, नहीं तो फिर मिठाई फीका बनता है। थोड़ा सा पानी में हम 2 चम्मच आटा डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे और इसे हम पानी में मिक्स कर देंगे। जैसे ही ये उबलने लगेगा तभी हम इसमें सूखा आटा डालेंगे। देखिए पानी अब उबलने लगा है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके गेहूं का आटा डालेंगे। इस रेसिपी को आप चावल के आटे में, सूजी में या फिर मैदा में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है। चीनी को मुझे पानी में डालना था, मैं डालना भूल गई, तो चीनी को मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चीनी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। आटे का गर्मी में चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। पर चीनी को आप पहले ही डालें पानी में। जब नमक और चीनी एक साथ डालें, अच्छे से जब चीनी मेल्ट हो जाए तभी इसमें आटा मिक्स करें। चीनी डालने के बाद थोड़ा सा पतला हो गया, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ता है, तो थोड़ा सा सूखा आटा मैंने और डाल दिया है। यहाँ पर मुझे बर्तन थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो अच्छे से थोड़ा सा मिक्स नहीं हो पाया। आप थोड़ा सा बड़ा बर्तन लें ताकि अच्छे से मिक्स कर पाए। मैंने जैसे तैसे करके ही इसी में ही मिक्स कर लिया है और इसका देखिए डो जैसे बनने लगा है। जैसे ही ये डो की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा गैस को बंद कर देंगे। अगर आपको आटा ज़्यादा ढीला लगे तो थोड़ा सा सूखा आटा और डस्ट कर सकते हैं। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि डो हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम इसके लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर नारियल को कद्दूकस कर लिया है। इसमें हम चीनी डाल देंगे 2 बड़े चम्मच और थोड़ा सा इलायची पाउडर। इसे हम हल्का सा पका लेंगे ताकि जो चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और नारियल का जो मॉइस्चर होता है थोड़ा सा कम हो जाए। चीनी मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। देखिए चीनी और नारियल मिक्स होने के बाद नारियल अपना पानी छोड़ता है, थोड़ा सा इसका मॉइस्चर कम करना है, बस ये रेडी हो गया है। दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा डो को थाली में निकाल लिया है ताकि ये ठंडा हो सके हल्का सा। अभी भी ये गर्म है, इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं होने देना है। गर्म रहते हम इसे गूंथेंगे तो अच्छे से चिकना हो जाता है। अगर कहीं पर छोटा छोटा गुठली है तो उसे दबाते हुए अच्छे से चिकना कर लेंगे। देखिए अच्छे से ये चिकना हो गया है। अब हम इसका लोइया तोड़ लेते हैं। इसे गर्म रहते ही मसलना होता है, नहीं तो फिर अच्छे से चिकना नहीं होता है। इसे मसलने से पहले हाथों में थोड़ा सा तेल लगा ले ताकि हाथों में ये ना चिपके। इसे हम कटोरी का शेप देंगे और साइड से पतला कर देंगे। बीच में थोड़ा मोटा रखें और साइड से पतला करें। देखिए मैं साइड में किस तरह दबाते हुए पतला कर रही हूँ। अब हम इसमें स्टफिंग भर लेंगे। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरना है, नहीं तो फिर बाहर आ जाएंगे फ्राई करते टाइम। इसे हमें फ्लावर जैसा बनाएंगे, तो मोदक जिस तरह बनाते हैं उसी तरह हम प्लेट पकाते जाएंगे। बहुत सुंदर दिखता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत टेस्टी भी लगता है। अच्छे से दबाते हुए हम इसे बंद कर देंगे। अगर कहीं पर खुला रह जाएगा तो फ्राई करते टाइम बाहर आ सकता है, इसीलिए अच्छे से ध्यान से दबाते हुए इसे सील कर दें। देखिए हमारा एक तैयार हो गया है। ऊपर का जो एक्स्ट्रा आटा है उसे मैंने निकाल लिया है, आप चाहे तो रहने भी दे सकते हैं। इसी तरीके से और एक भी बनाकर दिखाती हूँ। साइड से पतला कर देंगे, स्टफिंग भर देंगे, प्लेट पकाते हुए बंद कर देंगे और फिर ऊपर का जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल लेंगे। अच्छे से पिंच करते हुए निकालेंगे ताकि इसमें कोई छेद ना रहे, अच्छे से सील होना चाहिए, नहीं तो फिर फ्राई करते टाइम बाहर आ जाएगा। हल्के हाथों से दबाते हुए इसे बंद कर देंगे और साइड में अगर अच्छे से प्लीट नहीं आ रहा है डिजाइन, तो हाथों से ऐसे पिंच कर देंगे हल्का हल्का, तो डिजाइन एकदम निखर कर आएगा। देखिए मैं किस तरह कर रही हूँ। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और कितना अच्छा डिजाइन आया है। इसी तरीके से हम सारे पिठा तैयार कर लेंगे। हमारे यहाँ इसे पिठा कहते हैं। उड़ीसा का फेमस काकरा पिठा है ये, और मैंने इसे आटा से बनाया है और हल्का सा डिजाइन में चेंज किया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तेल अच्छे से गर्म हुआ कि नहीं चेक कर लेते हैं। इसे फ्राई करने के लिए मीडियम फ्लेम में हम फ्राई करेंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि ठंडा भी नहीं होना चाहिए।
तेल अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो बाहर से जल्दी से लाल हो जाएगा और अंदर से अच्छे से पक नहीं पाएगा। ये थोड़ा सा मोटा रहता है तो इसे पकने के लिए थोड़ा सा टाइम दें, तो हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। नीचे से हल्का हल्का लाल कलर आने लगा है तो अब हम इसे पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी गोल्डन होने देते हैं। कुछ मिनट फ्राई करने के बाद देखिए अच्छे सा एक कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं तो देखिए दिखने में कितना सुंदर दिख रहा है और ये बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनता है, कम तेल में भी बन जाता है। आप इसे किसी भी त्यौहार में बना सकते हैं और इसमें भोग भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से बाकी सारे पिठा को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो मेरा सारा पिठा तैयार हो गया है और इसे मैं ले जा रही हूँ भगवान को भोग लगाने के लिए। फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए मैं एक तोड़ कर भी दिखा रही हूँ, अंदर से एकदम स्टफिंग भरा हुआ है। आप इसे ज़रूर बनाएं। थैंक यू।